वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीधा कोड ब्लॉक्स में जाके क्या होता है वो प्रोग्रामिंग, क्या कैसे लिखा होता है, क्या होता है प्रोग्रामिंग का हेडर फाइल, क्या होता है मेन फंक्शन, क्या होता है फ्रिक डिफ, क्या होता है रिटर्न जीरो, क्या होता है लाइब्रेरी फंक्शन, क्या होता है और क्या तुम्हारा कीवर्ड क्या होता है, स्टूडियो डॉट एच क्या होता है, हैज इंक्लूड क्या होता है, ये सब इसका बारे में थोड़ा छोटा मोटा कुछ भी जो भी जानकारी है मेरा पास मेरा है मैं बता देंगे और थोड़ा ट्राई करेंगे आप लोग को समझाने के लिए। ठीक है, हम लोग जाते हैं अभी कोड ब्लॉक्स में। आप लोग देख पा रहे हैं जो इसमें एक सिंपल सा एक प्रोग्रामिंग लिखा हुआ है। इस प्रोग्रामिंग में हैज इंक्लूड स्टडी डॉट एच इंट मेन प्रिंट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग गेट सी एच ब्रैकेट क्लोज। तो पहले हम बताएंगे जे हैज इंक्लूड स्टडी डॉट एच क्या होता है। इसको हम लोग सीधा में बात बोल देते हैं जे इसको हेडर फाइल बोलता है, इंट मेन इसको बोलता है मेन फंक्शन इंटीजर, ये एक क्या बोलता है कीवर्ड होता है, प्रिंट एक लाइब्रेरी फंक्शन होता है गेट सेज भी एक लाइब्रेरी फंक्शन होता है। इसमें गेट सेज का परिवर्तन में हम लोग रिटर्न जीरो लिख सकते हैं, रिटर्न जीरो लिख सकते हैं। तो रिटर्न जीरो एंड गेट सेज का क्या डिफरेंस है वो मैं बताएंगे, लास्ट तक देखते रहिए वीडियो। तो देख लीजिए, पहले बोलता हूँ क्या हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। इसमें स्टूडियो एस टी डी ओ और क्यों यूज होता है देख लीजिए। इसमें प्रिंट एप यूज किया ना हम लोग, प्रिंट एप क्या हो रहा है आपको सब लोग को पता चलेगा। आप लोग पहले बार जो वीडियो है वो आप लोग देख लिए तो ये सबको थोड़ा तो याद आएगा जो प्रिंट एप क्या है। प्रिंट एप मीन्स इसमें इस अंदर का जो है जो लाइन है वो ही प्रिंट हो रहा है इसमें, ये तो सबको पता चलेगा। तो इसको इसका अंदर प्रिंट हो रहा है, प्रिंट स्टूडियो डॉट एच ये इसमें लिखा हुआ। तो ये देख के हम लोग को पता चलेगा जी प्रोग्रामिंग का अंदर कहाँ पे एक ना एक प्रिंट एप यूज है, प्रिंट एप यूज किया है। तो अब तो पता चला जो प्रिंट एप लिखने के लिए हम लोग स्टूडियो डॉट एच चाहिए। तो स्टूडियो डॉट एच लिखने के लिए हम लोग को हैज इंक्लूड यूज करने पड़ेगा। मींस क्या है, जितना भी हेडर फाइल है उसको लिखने के लिए हैज इंक्लूड यूज होता है और सारा हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच हैज इंक्लूड करने डॉट एच वो बाद में पता चलेगा जब नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग करने के लिए जाएंगे तो आप पता चलेगा जी हैड इंक्लूड कनियो डॉट एच क्या होता है। इसमें देखो ये सबको पता चला जो हम लोग को प्रिंट एप लिखने का जरूरत रहेगा तो हम लोग को स्टूडियो लिखना पड़ेगा। स्टूडियो लिखने के लिए हैज इंक्लूड लिखना पड़ेगा, इंट मेन तो चाहिए क्योंकि ये एक मेन फंक्शन है। हम लोग को एक आप लोग को एक बात बता देता हूँ मैं, तो मेन फंक्शन क्या होता है सॉरी फंक्शन पहचानने के लिए एक सीधा उपाय है, जो फर्स्ट ब्रैकेट ऐसे वाला रहेगा तो आप समझ लीजिए वो फंक्शन है। ठीक है, इंटीजर वो तब रिटर्न जीरो क्यों यूज होता है, रिटर्न जीरो यूज होता है बिकॉज तो पहले बोल देता हूँ इस मेन फंक्शन का बाद प्रोग्रामिंग स्टार्ट होता है तो कंपाइलर इससे काम करने का स्टार्ट करता है, इससे थर्ड लाइन से मेन फंक्शन का बाद। तब क्या होता है इसमें जो रिटर्न जीरो होता है ना, रिटर्न जीरो आप नहीं लिखोगी तो तब भी चलेगा क्योंकि रिटर्न जीरो लिखने का कुछ भी जरूरत नहीं है। किंतु अगर लिखने में अच्छा होता है क्या है ना, कंपाइलर हम लोग का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ऑपरेटिंग सिस्टम को यही समझने पाता है जो हम लोग का जो प्रोग्राम हम लोग लिखे वो सक्सेसफुल्ली एग्जीक्यूट हुआ है। ठीक है, समझ गया। ऐसे जो प्रिंट एप का बात इसमें हम लोग लिखना, आई एम स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी दिक्कत नहीं है, उसका कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। आपका नाम, आपका विलेज का नाम, टाउन का नाम, आपका जो भी कुछ लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इसका अंदर
देख लीजिए, इसमें कोटेशन का अंदर हम लोग रखे, हमने रखा क्योंकि मैं नहीं रखा, ये रखना ही पड़ेगा, ये इसका रूल्स है। इसके बाद जो है ना, सेमीकोलन, ये सेमीकोलन देने पड़ेगा, इसके बाद ये सेमीकोलन देने पड़ेगा। देख लीजिए, अभी हम इसको रन करते हूँ, बिल्ड एंड रन, बिल्ड एंड रन। देख लीजिए, आई एम स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, रन कर रहा है। इसमें जो दिखा रहा है ना, वो एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम, आप चाहिए, आपको मन हो रहा है ये क्या आ रहा है, इसको हम हटा देंगे, इसको हमको नहीं चाहिए, तो अब आपको इसमें गेट सीज लगाना पड़ेगा, इसको छोड़ के गेट सीज। गेट सीज अभी रन करते हैं, क्या होता है देख लीजिए। आपको सीधा यही दिखा रहे हैं, आपको वो हटा दिया, आपके लिए वो नहीं है, ठीक है। ये हो रहा है, आप लोग को थोड़ा तो छोटा मोटा ज्ञान आएगा, जो क्या हम लोग का हेडर फाइल क्या होता है, इंट मेन क्या, फंक्शन, लाइब्रेरी फंक्शन, ये थोड़ा तो छोटा मोटा एक आइडिया आ जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा दूसरा जो डिफिकल्टीज डिफिकल्टीज जो प्रोग्रामिंग आएगा होता है, वो हम लोग समझेंगे। ये सीधा एक प्रोग्रामिंग बता दिया, क्या होता है वो सिंपल का जो चीज़ होता है वही बताए। बट आप लोग देखते रहिए लास्ट तक, जितना भी वीडियो में अपलोड करेंगे तब तो पता चलेगा सी प्रोग्रामिंग के बारे में, ज़्यादा नहीं तो कुछ भी तो पता चलेगा, ठीक है। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, इसमें खत्म होता है।